हेलो गाइस, ये जो आप ब्यूटीफुल सा प्लांट देख रहे हैं इसे कहते हैं स्पाइडर प्लांट। और इसी की तरह और भी कई प्लांट्स होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पाइडर प्लांट है या कुछ और। तो स्पाइडर प्लांट की एक खासियत होती है कि इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और ये मतलब कि इसके एरियल रूट्स भी नहीं होते हैं, एरियल रूट्स ये डेवलप नहीं करता। ये भी इसके और कई और भी डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ से हम इसका मतलब कि पता लगा सकते हैं कि ये स्पाइडर प्लांट है या नहीं। लेकिन नर्सरी में ऐसे काफ़ी प्लांट्स होते हैं, तो देख रहे हैं ये जो है कितना फ्रेश फ्रेश है और कितनी न्यू लीव्स निकाल रहा है। ज़्यादातर जो स्पाइडर प्लांट होते हैं संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसकी टिप्स जो होती हैं वो यहाँ से सूखने लग जाती हैं। तो इसकी केयर जो है इसके हम अगर पानी कम भी देंगे तब भी सूखेंगी, पानी ज़्यादा देंगे तब तो नीचे से पत्तियाँ गल जाती हैं, यहाँ से वो एक एक करके गल गल के गिरने लग जाती हैं, तभी वो सुंदर नहीं लगता। और थर्ड इसका ये हो जाती प्रॉब्लम कि अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा टाइम रखते हैं तो भी इसकी टिप्स सूखने लग जाती हैं। तो इसके लिए सही मेथड यही है कि अगर इसको एक दो घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी मिलती है तो ये चलेगा, लेकिन ये शेडेड एरिया पसंद करता है। वैसे ये इंडोर प्लांट है तो 15-20 दिन में हम वैसे इसे सनलाइट लगवा सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में एक दो घंटे रख सकते हैं। वैसे इंडोर प्लांट है और ये एयर प्योरीफायर प्लांट है तो इसीलिए इसे इंडोर माना गया है, इंडोर रखते हैं तो ये प्लांट वहाँ भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन हम अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं सेमी शेडेड एरिया में, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इसकी ग्रोथ अच्छी निकल के आती है और जो लीव्स वगैरह हैं काफ़ी फ्रेश, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी लीव्स निकल रही हैं, कितनी फ्रेश निकल रही हैं। और इसमें मैं मिस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ जिससे इसकी लीव्स बिल्कुल फ्रेश रहती है, इवन कि जो लीव्स मैच्योर भी हो जाती हैं वो भी इतनी फ्रेश है। देख रहे हैं आप कितना प्यारा प्लांट है और कितना भरा हुआ पॉट है, और एक भी लीफ इसकी नहीं है ऐसी जो गली हुई है, क्योंकि जो मैं पानी का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, मैं ऐसे ओवर वाटरिंग कभी नहीं करती हूँ और ऐसे भी नहीं कि ये मिट्टी इसकी सूखी जाए, पूरी बातों का ध्यान रखती हूँ, देखती हूँ कि इसकी जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और मेन जो इस पॉट की खासियत है वो है, और इस सॉइल की भी और पॉट की भी, कि जैसे मैं इसे पानी डालती हूँ ये जल्दी से जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, तो इसमें पानी रुकता नहीं है, इसलिए इसके नीचे की लीव्स गलती नहीं है और जितना पानी इसे चाहिए उतना पानी इसे मिल जाता है प्लांट को। तो अब प्लांट इतना अच्छा है लेकिन मेरा कटने का, इसको काटने का मन तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतना अच्छा है ये ना, एक्चुअली हैंगिंग बास्केट्स में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है जब ये हैंग होता है ना। तो वैसे भी देख ही रहे हैं कितना भरा भरा प्लांट है ये, तो काफ़ी अच्छा लगता है तब भी। और लेकिन अब इसमें ये था कि मुझे प्लांटलेट्स चाहिए थे, तो उसके अगर हमें जल्दी प्लांटलेट्स इसके चाहिए बेबी पप्स, तो उसके लिए ये हमें करना होगा कि ऊपर से हमें प्लांट को पूरा काटना होगा। इतनी फ्रेश लीव्स हैं गाइस, लेकिन काटने का मन नहीं कर रहा। लेकिन कई कमेंट्स आए थे कि इसमें पप्स कैसे ला सकते हैं हम जल्दी, तो उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी थी। तो इतना भी कोई वैसी प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर मैं कटिंग करूँगी भी तो फ्रेश लीव्स ही निकलेंगी और काफ़ी जल्दी निकलेंगी, जैसे मैं इसकी केयर करती हूँ एज़ पर ये बहुत जल्दी इसकी लीव्स वगैरह निकल जाएंगी, दोबारा से ग्रो कर लेगा। और जब हम इसे काटेंगे तो प्लांट को ऐसे लगता है कि वो काफ़ी मैच्योर हो गए, काफ़ी इसकी एज प्लांट हो गया ये, तो फिर वो प्लांटलेट्स बहुत जल्दी निकालते हैं। तो यही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी कि अब हम इसके ऊपर से इसको ट्रिम कर देते हैं पूरा, फिर जैसे ही इसके न्यू प्लांटलेट्स निकलेंगे तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोगों की वजह से मैं इस प्लांट को, इतने प्यारे से प्लांट को कट करने लगी हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोई मूड नहीं था। इतना अच्छा प्लांट है, देख रहे हैं ये टू प्लांट्स हैं एक सिंगल पॉट में, एक ये है और एक ये है, और नीचे से भी कोई पत्ती नहीं गली है इसकी, नोटिस कर रहे हैं आप, सारी पत्तियाँ सही पड़ी हैं, कोई इसकी ऊपर से टिप सूखी नहीं है, कुछ नहीं है। इंडोर भी रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, आउटडोर भी रख सकते हैं आउटडोर, लेकिन इसे डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा पसंद नहीं है, एक दो घंटे के लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे इसको शेडेड एरिया पसंद है। तो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट इसकी, अब हम कर देते हैं ट्रिमिंग। अच्छे से दोबारा से भी ग्रो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो हम यहाँ से काटेंगे कि इसकी एक बारी ग्रोथ रुक जाए।
देखने कितनी फ्रेश लीव्स हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है पानी का, और कुछ नहीं होता। ना पानी कम हो इसे, ना पानी ज़्यादा हो, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नीचे से यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ऊपर की मेन जो यहाँ से इसकी ग्रोथ हो रही थी वहाँ से इसको रोकना है। बस थोड़ा सा और ट्रिम कर देते हैं यहाँ से, दैट्स फाइन। और मैं एक प्लांट को ही करूँगी, दोनों को नहीं कर रही हूँ। एक प्लांट के साथ एक ये वाला एक्सपेरिमेंट शो करके दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, और दूसरा प्लांट वैसे का वैसे रहेगा। चलो फिर इसकी नीचे की लीव्स भी काट ही देते हैं, एक रख लेते हैं प्लांट। क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। ये दूसरा प्लांट है, वो भी इतना बुशी है, और एक प्लांट को हमने काट दिया है। पूरी इसकी हार्ड प्रूनिंग टाइप की हुई है, तो अब यहाँ से ये न्यू प्लांटलेट्स निकालेगा, क्योंकि ग्रोथ इसकी एक बार बिल्कुल रुक जाएगी, और ये अपनी लीव्स निकालने की बजाय अब प्लांटलेट्स निकालेगा। नहीं, इतनी फ्रेश फ्रेश लीव्स इसकी इतनी निकल गई हैं, एक भी पत्ता सूखा नहीं। आप देख रहे हैं कितना फ्रेश है, बहुत ही सॉफ्ट लीव्स रहती हैं इसकी। तो देखते हैं अब कितने दिन लेता है ये, कितना टाइम, तो वो वीडियो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे ये न्यू प्लांटलेट्स निकालता है। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए, और टाइमली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और मिलते हैं आप लोगों के साथ और वीडियोस के साथ, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम देंगे। और ऐसे आप एक बार करके देख लीजिए अपने प्लांट के साथ, अगर आपके पास प्लांट है स्पाइडर प्लांट और उसको आप देखना चाहते हैं, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट ही होता है हमारा कि प्लांटलेट्स कैसे निकलते हैं, क्या होते हैं वो, बिल्कुल है ना स्पाइडर की तरह। तो काफ़ी वो नीचे तक लटकने लग जाते हैं, ग्राउंड को टच करने लग जाते हैं, तो आप भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ओके गाइस, मिलती हैं और वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।